करवा चौथ। जी हाँ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े ही श्रद्धा भाव से पूरा करती है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि इस बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मदेव ने कहा कि संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई और इस खुशखबरी को सुन सभी देव पत्नियों ने अपने व्रत को खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था, इसलिए माना जाता है कि इस दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों की मेहंदी ज्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज्यादा फलता फूलता है, खास तौर पर करवा चौथ के दौरान। इस दौरान लगभग सभी बाजारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिजाइन बनाते मिल जाएंगे। इस व्रत में भगवान शिव, शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवादित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्मा को एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करने से समस्त दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर ही द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से भी अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा विधि विधान से करके एक तांबे और मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री और एक रुपया रख कर किसी बड़ी सुहागी स्त्रियां अपने सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करती है। शाम में पुरोहित से कथा सुनने और दान दक्षिणा का प्रावधान है। तत्पश्चात रात्रि में जब सूर्य चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा की छलनी से देखकर अर्घ दे, आरती उतारे और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करे। इससे पति की उम्र लंबी होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से ही पानी पीकर यह व्रत तोड़ा जाना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षणमुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का और श्री ओम गणेशाय नमः से गणेश का, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। इस बार करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत विशेष है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है जब रोहिणी नक्षत्र और मंगल एक साथ इस बार एक आ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार यह योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहता है। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु, अच्छा आरोग्य तथा सौभाग्य का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहकर उपवास रखती हैं।
करवा चौथ का ये त्योहार आए और लाए खुशियां हजार, यही है दुआ हमारी आप हर बार मनाए ये त्योहार, सलामत रहे आप और आपका परिवार। इनबिसिन के सभी दर्शकों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनबिसिन न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट।